हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस दाल बाटी और चूरमा की रेसिपी। तो दोस्तों, आप इस दाल बाटी चूरमा को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दाल। तो दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 100 ग्राम मिक्स की हुई दाल। तो इसमें है मूंग की दाल और अरहर की दाल। दाल को मैं दो बार पानी से अच्छे से धो लूँगा ताकि इसमें कोई भी पाउडर या फिर कोई भी कचरा डस्टिंग होगी तो वो निकल जाएगी। तो अब इसमें मैं डाल दूँगा 1.5 कप पानी और इसको मैं आधा घंटा के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगा। जब तक हमारी दाल बिकती है, हम चूरमे के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी परात में डाला है 1 कप गेहूँ का आटा। यहाँ पर लिया मैंने आधा कप बेसन। आप चाहें तो बेसन डालें, ना चाहें तो ना डालें, बेसन इसमें ऑप्शनल है। तो अब इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगा। तो सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी। तो इस घी डालने के बाद इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा, यानी इसमें घी का मोइन लगाकर तैयार कर लूँगा। तो मोइन लग चुका है। अब मैं इसकी इस तरह मुट्ठी बनाकर चेक कर लूँगा। इस तरह मुट्ठी बन रही है, यानी हमारा मोइन है वो एकदम परफेक्ट है। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगा और इसका हल्का सा मतलब आटे को गीला कर लूँगा। इस तरह हमें आटा गूंथना है जैसे कि आटा कंबाइन हो जाए, मतलब आटे को हमें जस्ट कंबाइन करना है। तो दूध का यूज़ करते हुए हम इसका एक कंबाइनिंग आटा गूंथ लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आटा इस तरह गूंथा है जैसे कि वो कंबाइन हो गया हो। तो अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह हम दबाते हुए इसकी मुट्ठी बना लेंगे। तो एक हाथ में अभी इसे दबाते हुए मुट्ठी बना ली है। तो इसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगा और सारी मुट्ठियां मैं इसी तरह बनाकर तैयार कर लूंगा। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा प्लेट में। तो दोस्तों, सारी मुट्ठियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं साइड में रख दूंगा और अब हम बाटी के लिए आटा गूंथ लेंगे। तो उसी परात में मैंने डाला है लगभग 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को हम दोनों हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो पूरे आटे में अच्छे से फैल जाए। तो अजवाइन को मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1 टीस्पून नमक। अब इसमें डालूंगा मैं 1 पिंच बेकिंग सोडा, यानी एक चुटकी भर बेकिंग सोडा। ये हमारी बाटी को अच्छे से फुलाएगा और वो एकदम बाटी एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी और इसी में भी हम घी का मोइन लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह हम मुट्ठी बनाकर आप चेक कर सकते हैं मोइन परफेक्ट है या नहीं। तो अब इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। तो पानी का यूज़ करते हुए हम इसका एकदम मीडियम साइज़ का आटा गूंथ लेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा सख्त। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका हमने एकदम मीडियम साइज़ का आटा गूंथ लिया है। ये ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आटे को हमने गूंथ लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, लगभग 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा है वो सेट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दाल को आधा घंटा हो चुका है, ये भीग चुकी है दाल अच्छी तरह। तो अब यहाँ पे मैंने दाल को उबालने के लिए लगभग 2.5 कप पानी डाल दिया है एक भगोने में और उसको मैंने उबाल लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे हमारी दाल और इसको एक बार हम चला देंगे ताकि हमारी दाल है वो उबलते टाइम चिपके ना नीचे। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो इस हल्दी से क्या होता है, इस हमारी दाल का एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो अब दाल को मैं मीडियम फ्लेम पर इसी तरह उबलने दूंगा जब तक कि हमारी दाल एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई। इस कढ़ाई में डाल दूंगा मैं लगभग 1 कप घी और घी डालकर हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गरम कर लेंगे। यानी घी हमें मीडियम गरम करना है। तो घी हमारा गरम हो चुका है मीडियम। तो इसमें हम डाल देंगे मुट्ठी और मुट्ठियों को हम
अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रहनी चाहिए और मीडियम हॉट ही हमारा जो घी रहना चाहिए। सारी मुठियाँ मैंने एक बार में डाल दी हैं, आप चाहें तो इसमें आधी आधी करके मुठियाँ भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी मुठियाँ फ्राई एक साथ कर रहा हूँ। तो इसको हम चारों तरफ से हल्का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये नीचे से अच्छे से कलरफुल हो चुके हैं, तो इसको मैं पलट दूंगा। और दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी जो मुट्ठियाँ हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इन मुट्ठियों को मैं बाहर निकाल लूँगा और उसका एक्स्ट्रा घी है वो निकाल दूँगा और इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी प्लेट में। और सारी मुट्ठियों को मैं इसी तरह बाहर निकाल लूँगा और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। तो अब यहाँ पे हमारी दाल है वो भी उबल कर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। तो अब यहाँ पे हमने जो बाटी के लिए आटा गूंथा था वो भी सेट होकर तैयार हो चुका है, इसको एक बार हम फिर से गूंथ लेंगे। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे बोल्स बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम डो लेंगे, आप जिस साइज़ की बाटी बनाना चाहते हैं उतना डो लें। तो इसको मैं गोल कर लूँगा। तो बाटी को मैंने अच्छे से गोल कर दिया है। अब इसके अंदर उंगली की सहायता से हम इस तरह छेद कर देंगे। तो इस तरह की हम बाटी तैयार कर लेनी है और सारी बाटियाँ हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों सारी बाटियों को हमने इसी तरह बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम दाल को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, इसमें डाला है मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को हमें एकदम धुआं आने तक गर्म कर लेना है। अब इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग। अब इसमें डालूँगा मैं चॉप की हुई 1 हरी मिर्ची। इसमें डाला है मैंने थोड़ी सी चॉप की हुई लहसुन, 1 तेज़पत्ता डाला है। और इन सभी को मैं अच्छे से कुक कर लूँगा। अब इसमें डाल दूंगा मैं टमाटर, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है, यानी बारीक नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। तो यहाँ पे मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पर डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून डालूंगा मैं गर्म मसाला। उन सभी को डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इन सभी को मैं अच्छे से कुक कर लूँगा। तो इन सभी मसालों को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं दाल जो हमने उबाल कर तैयार की थी। और दाल डालने के बाद इसमें मैं लगभग 1 कप पानी और डाल दूंगा। तो दाल आप जैसी पतली या गाढ़ी जैसी भी पसंद करते हैं उसी तरह हिसाब से बना सकते हैं। तो दाल को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इस दाल में उबाल आने तक इसको मैं पका लूंगा। तो जब तक हमारी दाल में उबाल आता है यहाँ पे हमने जो मुठियाँ बनाई थी वो ठंडी हो चुकी हैं। इसको मैं इस तरह हाथों से तोड़ लूँगा। तो सारी मुठियों को मैंने इसी तरह हाथों से तोड़ लिया है। तो अब इस मुठियों को हम मिक्सी में पीस कर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी पीस सकते हैं और इसको छान लें एक बार। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्सी में पीस रहा हूँ। तो सारी मुट्ठियों को मैंने इस तरह मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें मैं इसको बारीक पीस लूँगा। तो यहाँ पे मैंने मुट्ठियों का पीस लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो इतना बारीक मैंने मुट्ठियों को पीस लिया है। आप थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं। तो इस मुट्ठियों का पाउडर है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा वापस प्लेट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो दोस्तों हमारी दाल में है वो उबाल आ चुका है, यानी हमारी दाल भी वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। और धनिया डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। दोस्तों हमारी दाल एकदम कम्प्लीटली अब रेडी है। तो अब यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं हमारी बाटियों को। तो बाटियों को मैं उसी घी में फ्राई कर रहा हूँ जिसमें हमने मुठियों को फ्राई किया था।
और इसी घी को हम चूरमे में यूज़ करेंगे। तो बाटे को मैं एकदम मीडियम फ्लेम पर और मीडियम हीट ऑयल में, मीडियम हीट घी में इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमने बाटे को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो दोस्तों आप बाटे को हाई हीट में फ्राई नहीं करिए, नहीं तो वो ऊपर से फ्राई हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस बाटे को मैं ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ प्लेट में। तो दोस्तों सारी बाटियाँ हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम चूरमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चूरमे के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तगार, यानी जिसे बूरा भी बोला जाता है। तो इस बूरा को मैं इसमें डाल दूँगा। अब इसमें डालूँगा मैं थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़ी सी किशमिश, और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इलायची का पाउडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा। अब इसमें डालूँगा मैं घी, ये वही घी है जिसमें हमने मुट्ठी और बाटे को फ्राई किया था, जिसमें मैंने 2 चम्मच बड़े भर के घी डाल दिया है। तो इनको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो आप घी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम और ज़्यादा। तो हमारा चूरमा भी बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो अब इसको मैं सर्विंग कर लूँगा। तो एक कटोरी में हम डालेंगे दाल और एक कटोरी में डालेंगे हम चूरमा। अब साइड में रख देंगे थोड़ी सी बाटियाँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।